ये कथा आम तौर से प्रचलित है कि भगवान के नाम में ऐसा कमाल है कि बेटे का भी नाम रख दो और मरते समय बेटे को बुलाओ तो वैकुंठ चले जाओगे कृपालू कहता है ये सेंट परसेंट गलत ऐसा हो ही नहीं सकता त्रिकाल में असंभव तमाम ग्रंथों में तमाम संतों ने भी और साधारण पंडितों ने भी ये बात हमारे देश में फैला रखी है जैसे भागवत मियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामोप्यगा धाम किम पुन श्रद्धया घृणन पुत्र को पुकारा मृत्यु के समय पुत्र का नाम था नारायण तो ये नियम सा है कि मरते समय आदमी उसी को बुलाता है जिससे बहुत अटैचमेंट हो अरे भाई जरा अपनी हमारी बिटिया को बुला दो आखिरी बार देख ले हमारे बेटे को बुला दो आखिरी बार देख ले तो अजामिल महान पापात्मा था एग्जाम्पल था तो जब मृियमाण हुआ तो बेटे को बुलाया उसका नाम नारायण था और उस समय यमराज के दूत भी आए और विष्णु के दूत भी आए दोनों में बहस हुई भागवत में लिखा है आप लोग पढ़े होंगे और बहस के बाद विष्णु दूतों की बात सही मानी गई जम दूतों को भगा दिया गया तो ये एक कथा तौर से प्रचलित है कि भगवान के नाम में ऐसा कमाल है कि बेटे का भी नाम रख दो और मरते समय बेटे को बुलाओ तो बैकुंठ चले जाओगे कृपालु कहता है ये सेंट परसेंट गलत है ऐसा हो ही नहीं सकता त्रिकाल में असंभव तो समझ लो उसका उत्तर हाँ प्रश्न ये है लोग इस भ्रम में है कि भगवान नाम लेने से अजामिल तर गया वैकुंठ गया जबकि उसके मन का अटैचमेंट अपने बेटे में था तो ये कैसे हुआ क्यों इसलिए वेद कहता है स यथा कामो भवती तत्क्रतुर्भवती यतुर्भवती तत्कर्म कुरुते यम कुरुते तदबि संपद्यते बृहदारण्य को उपनिषद चार चार पांच तुम्हारे मन का अटैचमेंट जहां होगा मरने के बाद वही जाना होगा मुंह से बोलने का कोई फल नहीं है मन यथा क्रतु लोके पुरुषो भवती तथेता प्रेत्य भवती छांदोग्योपनिषद तीन चौदह एक मृत्यु के पहले जहां मन का अटैचमेंट होता है वही उसकी गति होती है ये सब वेद कह रहे हैं अब गीता से समझिए अंत काले मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम ज प्रयाति समम याति नास्त्यत्र संशयः आठवें अध्याय का पांचवा श्लोक अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करके शरीर छोड़ता है दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए मेरा ही स्मरण करके शरीर छोड़ता है मुक्ता कलेवरम वो मुझको प्राप्त होगा और यदि किसी और का स्मरण करता है तो तो फिर जानते व्रता देवान पितरीन जानते पितृव्रता भूतान जानते भूते ज्या जा, ज्याजिनो पिमाम नवे अध्याय का पच्चीसवा श्लोक जो देवताओं में मन का अटैचमेंट किए रहेगा मरने के पहले स्वर्ग जाएगा और मनुष्यों में भी जिसके मन का अटैचमेंट जहां होगा वो वही जाएगा छोटे मोटे नहीं जड़ भरत शरीर के परमहंस भी मृत्यु के समय हिरण का स्मरण करते रहे तो हिरण बनना पड़ा फिर कहती है गीता यम यम वरण भावम त्यज त्यंते कले वरम तन तमे वै तिकोते सदा तदभाव भाविता आठ छे जिस जिस में उसका मन का अटैचमेंट होगा और शरीर छोड़ेगा देखिए ये बार बार मैं बोल रहा हूं शरीर छोड़ेगा छोड़वाया जाएगा नहीं छोड़ेगा अपनी इच्छा से तो कौन छोड़ेगा महापुरुष जो माया से परे हो चुका है भगवत प्राप्ति कर चुका है वो शरीर छोड़ता है और जो माया के अंडर में होता है उसका शरीर जमराज के द्वारा छुड़वाया जाता है जबरदस्ती चल अब वो रोता है अपने परिकरों का स्मरण करके बेटी यही रह रही है बेटा यही रह रहा है बीबी यही रह रही है मुझे अकेले ले जा रहे हो फिर गीता कहती है ओ मित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां देखिए हरेक कोटेशन कह रहा है मेरा स्मरण करते हुए मेरा अजामिल तो बेटे का स्मरण करके बेटे को बुलाया था ना अरे हजार बार आप लोगों को कहा है कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है इंद्रिया नहीं इसलिए बार बार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए और मेरा नाम लेते हुए कृपालु कहता है हम नहीं लेंगे आपका नाम केवल स्मरण करेंगे ओ तुम भी आओगे गोलोक मन का अटैचमेंट सरेंडर भक्ति पूर्ण रूपेण अगर हो गई है मरने के पहले तभी वो शरीर छोड़ेगा देखिए मैं एक पहले लॉजिक से आपको समझाता हूं ये मरना जो होता है ये सबसे बड़ा कष्ट होता है वो समझाया नहीं जा सकता नंबर एक का कष्ट मरना नंबर दो का पैदा होना पैदा होते समय भी बहुत कष्ट होता है उस कोमल शरीर के बच्चे को कोई बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं बाहर आते ही थोड़ी देर में होश में आते हैं संत लोग भी कहते हैं ना जनमत मरत दुसाह दुख हो तो दुख जो होता है उसकी एक लिमिट होती है बहुत ध्यान से समझो किसी को एक लठिया मारा चिल्लाया दूसरी लठिया मारा फिर चिल्लाया तीसरी लठिया मारा आवाज बंद हो गई वो गिर गया फिर एक लठिया दे दिया चुप शरीर भी नहीं हिल रहा है मारने वाले ने समझा मर गया वो चला गया लेकिन वो मरा नहीं हो सकता है पांचवी लठिया में मरता चार लठिया उसने सह लिया बेहोश तो हुआ लेकिन मरा नहीं यानी मरने के कष्ट के पहले वाला कष्ट होता है बेहोश होना पहले आदमी बेहोश होता है फिर मरता है यानी दुख की लिमिट का जब टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वो सह नहीं सका बेहोश हो गया उसके बाद मरा तो प्रश्न ये है कि अंत समय है क्या जब कोई स्मरण करेगा स्मरण तो होश में होता है ना जब हम बेहोश हो गए तो न संसार का स्मरण करेंगे न भगवान का करेंगे बेहोश होने के पहले ही तो स्मरण करेंगे तो बेहोश होने के पहले वाला जो स्मरण है वो मरने के पहले वाला नहीं है मरा तो उसके बाद क्या हुआ था अजामिल के बारे में अब भागवत में आइए भागवत कहती है वेश मनोजस्मिन बाचा यन नाम कीर्तन त्यजन कले योगी मुच्यते काम कर्म भी एक नौ तेज भागवत भक्ति करके मन मुझ में लगा दे भक्त्याष मनो अब बाचा नाम कीर्तन वाणी से भी मेरा नाम बोल दे और फिर त्यजन कलेवरम शरीर छोड़े छोड़वाया जाएगा तो बेहोश हो जाएगा वो स्मरण कैसे करेगा भगवान का छोड़े तो ऐसा हुआ था कि अजामिल जब बेहोश हुआ पुत्र को बुलाया लेकिन पुत्र को बुलाने के बाद उससे बात नहीं कर सका उसके पहले बेहोश हो गया तो उसने क्या देखा जमराज के दूत आ गए और कहा चलो मिस्टर बहुत पाप किए हैं तुमने माँ बाप बीबी सबका परित्याग करके बेस्यागामी बने हो नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है इतने में विष्णु दूत भी आ गए भगवान के चार भुजा वाले बैकुंठ से उसने कहा है आओ तुम लोग कौन हो अरे हम जमराज के सर्वेंट हैं भाग जाओ इसने नारायण कहा है हम ले जाएंगे इसको बैकुंठ उन्होंने कहा इसने पाप किया है अरे पाप किया है तो नाम तो लिया है दोनों में दो प्रकार के धर्म होते हैं ना एक अपर धर्म एक पर धर्म एक स्वाभाविक धर्म एक आगंतुक धर्म एक आध्यात्मिक धर्म एक दैहिक धर्म अर्थात एक धर्म होता है आत्मा का एक धर्म होता है शरीर का हम दो है ना बड़ी सीधी सी बात है तो शरीर के धर्म का लेक्चर तो दे रहे थे यमराज के दूत ए पाप पुण्य और आत्मा के धर्म का लेक्चर दे रहे थे विष्णु दूत तो फिर ले गए विष्णु दूत हां ले गए होंगे नहीं यहीं पर ध्यान दो तम याम पासान निर्मुच्यो विप्रम मृत्यु रमी हुआ क्या हुआ ये कि जब भगा दिया जम दूतों को तो वो भी नहीं ले गए छोड़ गए यानी मरा नहीं तो आजा मिलो प्यथा कर्ण दूता नाम यम कृष्ण छ दो चौबीस धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यन चुना स्वयं होश में आ गया मरा वरा नहीं और उसने कहा ओ जो विष्णु दूतों ने भागवत धर्म सुनाया था उस धर्म से ये सीमित धर्म को काटा था हा वो धर्म है बढ़िया हम उसको धारण करेंगे तो भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवण धरे छे दो पचीस भगवान के श्री कृष्ण के महात्म को जब सुना उसने कि भगवान का नाम लिया है इसने तो भक्तिमान भगवान के प्रति उसको भक्ति जागृत हो गई यानी पूर्व जन्म के पाप के संस्कार प्रारब्ध के कारण ये नाटक सब बीच में हुआ बेश्यागाम हुआ वो प्रारब्ध कट गया जब तो उसको भक्ति का उदय जो पूर्व जन्म में था वो फिर से हो गया और फिर क्या हुआ धास्ते मनो भागवती शुद्धम तत्कीर्तन आदि भी छ दो अड़तीस भागवत अब मैं अपना मन कीर्तन आदि नवधा भक्ति के द्वारा भगवान में लगाऊंगा मैंने जान लिया भागवत धर्म क्या होता है भक्ति उदय हो गई फिर क्या हुआ इतिजात सुनिर्वेदा क्षण संगे न साधुषु गंगा द्वार मुक्त सरबानुबंधना एक क्षण के यानी थोड़ी देर के दूतों के संग से उसका कटा और पूर्व जन्म की अवस्था आ गई और उसने कहा अब मैं हरिद्वार जाऊंगा और श्री कृष्ण की भक्ति ही करूंगा और चला गया मरावरा नहीं और हरिद्वार में जाकर उसने श्री कृष्ण की भक्ति ये नवधा भक्ति जो कीर्तनादि भी कह रहा है उसने किया और फिर भगवान प्रकट हुई भक्ति के द्वारा तो हई मम विमान मारू हिजो यत्र श्री छादो चौवालिस भगवान का स्वर्ण का पुष्पक विमान आया उस पर बैठकर बैकुंठ गया तो देखिए वो बैकुंठ कब गया जब भक्ति करके भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ा और जब नारायण नाम लिया था उसके बात तुरंत मरा नहीं वो लोग ले नहीं गए विष्णु दूत न जमदूत इसलिए ये अकाट फिलॉसफी है बिना भक्ति के नाम से काम नहीं चलेगा नाम तो हेल्पर है गुण हेल्पर है लीला हेल्पर है ये सब चीजें सहायक है रूप ध्यान के साथ करने पर अकेले रूप ध्यान करने पर हम थक जाते हैं बोर हो जाते हैं नींद आ जाती है इसलिए भगवान ने अवतार लिया बार बार और अपना नाम अपना रूप अपना गुण अपनी लीला ये सब प्रकट किया कि ये तनेक अनेक प्रकार का सामान दे दें इन बच्चों को जिससे जल्दी इनका मन का प्यार में हो जाए इसलिए यह सिद्धांत न भूलें किसी पंडित या बाबा के बहकावे में ना न भक्ति करने की जरूरत नहीं है जब मरने लगेंगे तो बेटे बेटी का सबका नाम रख दो राधा कृष्ण गोविंद गोपाल और उनको बुलाएंगे और गो लोग चले जाएंगे भगवान को बेवकूफ बना देंगे <laughs> ये नहीं चलेगा धन्यवाद